ये बड़ी एक अहम किताब हमें इस वक्त मेरे हाथ में आई है। इसमें हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत मौजूद हैं और इनके हाथ में है 1992 की जीती हुई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी और इतना प्राउड है इनकी आंखों में। और जब इस बुक को हम खोलते हैं तो इसके अंदर वो जो 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था, सारे प्लेयर्स हैं, उनका वो विक्ट्री मोमेंट है मौजूद। और आई थिंक ये बुक पूरी उस इवेंट से रिलेटेड। यहाँ देखिए आपको इमरान खान का ऑटोग्राफ नजर आ रहा होगा, कि उनका ऑटोग्राफ, जावेद मियां दाद नजर आ रहे हैं हमें इस पिक्चर के अंदर। और जो है डिफरेंट प्लेयर्स हैं उस वक्त के जो उस वक्त खेल रहे थे। इंट्रोडक्शन है कि क्या था वो इवेंट, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से पाकिस्तानी टीम ने विन किया। तो ये हमारे लिए एक बड़े प्राउडी मोमेंट की बात है क्योंकि फिलहाल हमने एक ही वर्ल्ड कप जीता है जो 1992 का था। तो इतना अच्छा लग रहा है वो सब कुछ दोबारा से देखते हुए। और आप इस पिक्चर में देखें इमरान खान साहब बड़े खुश हैं, बहुत अच्छी स्माइल है उनके फेस पे और नजर आ रहा है कि भाई उन्होंने कुछ विन किया है, विक्ट्री है। वसीम अकरम साहब भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर हमें। दो तीन बुक हैं अहमद शोकर के, बहुत ये तुम्हारा काम है एडिटिंग का। अब ऐसी किताबों के लक्ष्य में दिखा रहा हूँ कि जो कि मेरी दिलचस्पी जो है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान से मोहब्बत मेरी बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है मुल्क है तो हमें, और पाकिस्तान तो दुनिया की वो वाहिद यानी मुमकिन है जो इस्लाम के नाम पे बनी है और अल्लाह पाक इसको कयामत तक कायम रखेगा इंशाल्लाह। सबसे ये परवेज मुशर्रफ किताब सबसे पहले पाकिस्तान, जब वो 11 सितंबर का वाक्य पेश आया तो उसके जवाब में इसने लिखा कि मुझे जो है ना पाकिस्तान के लिए क्या करना था और सबसे पहले पाकिस्तान को तरजीह मैंने क्यों दी। इसी तरह ये MQM की किताबें, ये मुनीर अहमद हैं, ये बहुत ज़बरदस्त लिखने वाले हैं। इन्होंने जो है ना वो इमरान खान की किताब भी लिखी है स्पोर्ट्स के बारे में, 92 की बढ़ गई। मुनीर अहमद का बहुत ज़बरदस्त, बड़े ज़बरदस्त मुसनफ़ हैं और इनकी निगाहें हर तरफ होती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, सियासत हो या दाखिली मसाइल हो। इसी तरह से जो है ये किताब है भुट्टो साहब की, उसका मुकदमा सफ़र, किस तरह से जो है अपने सफ़र किया, किस तरह से मतलब जो है ज़िंदगी गुजारा, किस तरह से सियासी मामला, ये वो किताबें हैं। जैसे इमरान खान की पाकिस्तान, इमरान खान की जो मोहब्बत है पाकिस्तान से वो किसी ढकी छुपी नहीं है। इमरान खान का जो एम है, जो इनका नज़रिया है, वो चाहते हैं कि मैं इस मुल्क को जो है ना दूसरों की गुलामी से निकालूँ, बिलखसूस अमेरिका की गुलामी से। इसकी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, इसीलिए अल्लाह उन्हें कामयाब करे और अल्लाह पाक उनकी नेक नियति को कामयाब करे। और बात यह है कि जो मुल्क, जो भी लीडर है और पाकिस्तान के लिए वो सनसेर है, पाकिस्तान की बेहतरी काम करता, हमारी दुआएं के साथ हैं। अच्छा, इसी तरह से मेरे पास जो है मालूमात का कलेक्शन है, इजाज़ात का सफ़र है। इसी तरह जो है पाकिस्तान, आप देखें ये सब पाकिस्तान नागुजीर था, पाकिस्तान नागुजीर था। इसी तरह से जो है वो जनाब अली और मुख्तलिफ हैं कि मैंने ढाका डूबते देखा और दुख ये जुगनू मशरक समझे। इसी तरह से बहुत सारी किताबें, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि भाई ये मेरी ख्वाहिश है कि भाई आगे जाके जैसे जंग पाकिस्तान और इसी तरह से जो है ना अपना अल्लाह भला करे, अब इस मुख्तलिफ किस्म की हैं इसमें किताबें। और एक बड़ा अच्छा अफसाना मेरे अभी हाथ लगा है, एक गधे की सरगुजिश्त, जो उर्दू के इब्तदाई अफसाना निगारों में शामिल है। देखिये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कृष्ण चंद्र की सदाबहार तहरीर। तो अफसाना निगारी का सवाल आता है इंटर के पेपर में और लोग बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका पूरा अफसाना ही गधे की सरगुजिश्त यहाँ पर मौजूद है और इंशाल्लाह मैं इस किताब को अब जरूर पढ़ने वाली हूँ। इसी तरह मेरे पास जो है ना यानी कि इतने ज्यादा हंसी की कलेक्शन भी है, जैसे गुलाए तबस्सुम, जैसे मशहूर मजाहिया शायरी, इसी तरह इस पर बहुत सारी किताबें बुक्स हैं मेरे पास। ये कौन सी, ये तो वो है पारन की। और इसी तरह जो है ना अल्लाह का शुक्र एहसान है कि बहुत सारी चीज़ें हैं बाकायदा जो है ना इंग्लिश पे बुक्स हैं, पुरानी मालूमात हैं समझे। और जो है अल्लाह भला करे आपका जो है क्या कहते हैं सिंधी की एक बुक, हाँ ये देखें तारीख सिंध, पूरी बड़ी जामे किताब है, बड़ी मशहूर किताब है सिंध की। और ये बड़ी फेमस है, ये अब्दुल हलीम शरर की कलम से, ये बड़े ज़बरदस्त तारीख था। और ये किताब बाकायदा
ये नसाब में पढ़ाई जाती है। शौक का कोई मोल नहीं, इसका जो शौक होता है उसको पूरा करने के लिए जो है वो अब इंडिया भी गए थे तो इंडिया से भी किताबें लेकर आए और उसको संभाल के रखा है। 1980 की बात है ये जब इंडिया गए थे, 1984 में गए थे और आज तक वहाँ से जो किताब लेकर आए उसे भी संभाल के रखा है। तामीरात का हुनर समझे ये इसकी जो है। अच्छा मेरी जो इस तरह की बुक्स है ना इसकी तमाम जिल्दें मेरे दोस्त हैं अशरफ उन्होंने लिखी है, जैसे ये किताबें सारी ये देखें सब उनकी लिखी हुई है, ये उन्होंने लिखी थी अपने हाथ से इन पे। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ये क्या है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये हाथ लिखी सब हाथ की राइटिंग से उन्होंने, मेरे दोस्त ने उन्होंने लिखा भी अशरफ अली शाह जी ये देखें ये उन्होंने लिखा, ये अपने हाथ से उन्होंने लिखी है सारी माशाल्लाह। ये भी है जैसे ये बुक ये देखिए सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग और उसके पीछे से ही झांक रहे हैं हमारे दीवाने गालिब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और आजकल की बच्चे भी उनकी शायरी को पढ़ते हैं उसमें बकायदा पूरा तबसरा करते हैं तशरीहात करते हैं। तो दीवाने गालिब जो कितनी अहम किताब है, इतनी कीमती किताब है, वो भी हमारे लाइब्रेरी की कलेक्शन में मौजूद है। पूरा एक बहुत समझे बहुत बड़ी फिल्म बन जाएगी फलसफा मोहब्बत। मुझे तो इतना मजा आ रहा है यहाँ पर और इतनी मजे की किताबें हैं जो देखने को मिल रही हैं और इंशाल्लाह उनको पढ़ेंगे भी। इसके लिए हमें तो फिलहाल कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि अब्बू ने उनको बड़ा संभाल के रखा हुआ है। और किताबों को शेयर करना और उसकी नॉलेज को शेयर करना भी बहुत अच्छी जो है वो हॉबी होती है और अब्बू की हॉबी थी किताबों को पढ़ने की और जिससे वो जो गेट कर सकते थे इस्लाही रंग जितना उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर शामिल रखा है। तो आई होप कि आपको भी हमारे किताबों का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा आपको ये वीडियो देख के, आपने भी कुछ सीखा होगा। सो प्लीज हमारी इस वीडियो को आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अब्बू की किताबों की कलेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। सो काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।